हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कोर्स आशा. दिस इज इंद्रजीत सिंह. वेलकम यू ऑल इन माय न्यू लेक्चर सीरीज ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दो लेक्चर कर चुके थे, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के मेथड्स और उनके यूजेस वगैरह वगैरह देख चुके थे. आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स हेलोजन फैमिली में डिस्कशन होगा ब्रोमीन का. आज लेक्चर 3 है. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हेलोजन फैमिली लेक्चर थ्री है. बहुत जल्दी टाइम सेविंग मोड में अच्छी तरह से, और टाइम सेविंग मोड का मतलब कम प्रिपरेशन नहीं, बातों में कम समय और काम में ज़्यादा समय. ब्रोमीन की चर्चा आज हमें करनी थी. लास्ट लेक्चर में हम क्लोरीन की डिस्कशन कर चुके थे, नहीं देखा है तो देख लीजिए. ब्रोमीन पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं. डायटॉमिक मॉलिक्यूल, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम कंडीशंस पे. इसकी प्रिपरेशन के क्या मेथड है, सबसे पहले वहां पहुंचते हैं. प्रिपरेशन आप देखें, सबसे पहले प्रिपरेशन का जो बेसिक मेथड है या सबसे अच्छा सिंपल, वो ये है कि आप कोई भी एल्कली मेटल का ब्रोमाइड उठा लीजिए, KBr, फिर आप MnO4 ले लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लीजिए. ऐसा क्यों कर रहे हैं? H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और MnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से डायरेक्टली Br2 नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी MnO4 की. ये क्लोरीन में भी देखा था हमने. ऐसा करने पर सबसे पहले तो आप ब्रोमीन जो चाहिए उसको निकाल दीजिए. ब्रोमीन निकल गई, आप थोड़ी सी गर्म अवस्था में इसको रखते हैं. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की वजह से, जिसकी वजह से ब्रोमीन लिक्विड में आपको नहीं मिलता है, वेपर्स में मिलता है. बाद में ये किसी भी जिस कंटेनर में इसको कंटेन किया जाए वहां पर ये कंडेंस किया जा सकता है और लिक्विड में दोबारा आ जाएगा. खैर, MnSO4 बनेगा और K2SO4 बनेगा. दो सॉल्ट्स आपके सामने, K2SO4 बनेगा. K2SO4 दूसरा प्रिपरेशन का मेथड क्या है वो देखें. NaBr सोडियम ब्रोमाइड लीजिए, इससे NaCl लिया था, इससे क्लोरीन की रिएक्शन करा दीजिए. ये हम लोगों ने हेलोजन में स्टार्टिंग में रिएक्शन में देखा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कम वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं. गौर से देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्लोरीन काम करता है और ऑक्सीडाइज कर सकता है. ये बन गया NaCl और यहाँ बन गया आपके पास ब्रोमीन. गौर से देखने वाली बात है कि यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और ये फ्री स्टेट में आ चुका है तो 0 हो गया. तो बेसिकली ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कराया है क्लोरीन ने, और यहाँ भी क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ब्रोमीन का प्रिपरेशन किया जा रहा है. खैर, आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन में. दो प्रिपरेशन हो गई, यही दो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा नहीं जाता है. प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है. क्लैथरेट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है ब्रोमीन को लेकर, तो वो पूछी जाती हैं. तो डिस्कशन अब होगा प्रॉपर्टीज का. चलो, प्रॉपर्टीज किसकी, ब्रोमीन की. सबसे पहली बात कि किस स्टेट में पाया जाता है, अगर इसका डिस्कशन करें, इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना कि ये किस स्टेट में पाया जाता है. तो सबसे पहली बात कि ये रेड लिक्विड है. कई लोग रेड ब्राउन बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. एट रूम कंडीशंस, ध्यान रखें रूम कंडीशंस में ये रेड लिक्विड होता है. फॉर्म्स क्लैथरेट कंपाउंड्स. ये क्लैथरेट कंपाउंड्स क्या होते हैं पता नहीं क्या होते हैं, देखते हैं. Br2.8H2O विथ आइस और क्विनोल, दोनों के साथ नहीं, दोनों में से किसी एक के साथ. ये नहीं कि आपको क्विनोल आइस दोनों की जरूरत पड़ेगी. तो क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं सबसे पहले समझें. क्लैथरेट कंपाउंड इज द एक्सट्रैपमेंट या एंट्रैपमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइक Br2, I2, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन इनटू कैविटीज ऑफ आइस और क्विनोल्स एक्सेट्रा. मतलब कि मान लो आइस है, आइस का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल आपस में किसी तरह से कुछ अरेंज्ड हैं, किसी तरह से कुछ अरेंज्ड हैं ये. तो इनके बीच में अगर कोई एक गैस मॉलिक्यूल जैसे Br2 का मॉलिक्यूल एंट्रैप हो जाए, अटक गया,
अब ये मॉलिक्यूल बड़ा है और इन कैविटीज में फंस चुका है, निकल नहीं पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्लैथरेट कंपाउंड बना है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल जब फंस जाता था कहीं भी तो हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते थे, अगर याद हो तो डॉट एच टू ओ करके लगाते थे। ये वही चीज़ है कि पूरा पूरा मॉलिक्यूल है और कहीं कहीं अटक गया है। तो अगर ये ब्रोमीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन, जेनॉन के साथ हो जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो क्लैथरेट कंपाउंड है। तो सबसे पहले तो क्लैथरेट कंपाउंड लिख लेना चाहिए, क्लैथरेट कंपाउंड्स। एंट्रैपमेंट एंट्रैपमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब कोई बच्चा कहेगा कि ब्रोमीन तो गैस नहीं होती, लिक्विड होता है, रूम कंडीशंस की बात नहीं, उसका वेपर मॉलिक्यूल कहीं अटक जाए, ऐसा हो सकता है। गैस मॉलिक्यूल लाइक Br2, I2, I2 तो सॉलिड होता है पर उसको गर्म करके तो किया जा सकता है, बिल्कुल, जेनॉन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा इनटू द कैविटीज ऑफ आइस और क्विनोल। इनको हम लोग क्लैथरेट कंपाउंड बोला करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना? डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ब्रोमीन की और कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है? तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ Br2 आर वेरी सिमिलर टू क्लोरीन। तो जो जो आपने क्लोरीन में पढ़ा है वो आप ब्रोमीन में लगा लीजिए, काम हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में जितना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमारे क्लोरीन का था, उतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ब्रोमीन का नहीं है, इसलिए इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये बायोमोलिक्यूल में भी इस्तेमाल होती है इसकी प्रॉपर्टी। अगर किसी को पार्शली आपको ऑक्सीडाइज करना है तो ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर एक ही किसी कार्बन चेन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों लगे हों और आपकी इच्छा ये है कि सिर्फ एल्डिहाइड वाला ऑक्सीडाइज हो और एल्कोहल ग्रुप को ना छेड़ा जाए, तो आप H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तो एल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होगा। पर ब्रोमीन वाटर ऐसा है जो कि इतना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी हमें कई बार जरूरत होती है जो ब्रोमीन से हमें मिल सकती है, ठीक है? फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कहां पहुंचे? आयोडीन पर। आयोडीन पर्पल कलर का, सॉलिड रूम टेम्परेचर पे खूबसूरत पर्पल कलर होता है इसका, बहुत अच्छा दिखता है ये। लेकिन शुरुआत फिर वही बात, प्रिपरेशन से हमें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या रिएक्शन करता है ये। प्रिपरेशन कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, आइए भैया प्रिपेयर करवा लीजिए, इसको बना ले पुराना तरीका। मान लो सोडियम आयोडाइड आपके पास है और आप इसमें H2SO4 मिलाना चाहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड मिला लें, पर फिर वही बात है, आयोडीन तो और ब्रोमीन से भी खराब आदमी है तो इतनी आसानी से तो ऑक्सीडाइज होने नहीं वाला। वैसे भी H2SO4 उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, तो आप इसमें MnO4 या MnO2 की प्रेजेंस ले सकते हैं जैसे आपने क्लोरीन में किया था। तो सिमिलर रिएक्शन से आपका I2 निकलेगा, ये गर्म होने के बाद भी ऐसा गैशियस फेज में नहीं आता है जिस तरह से ब्रोमीन लिक्विड से गैस में आ जाता है, इसलिए इस पे एरो एरो बनाने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात कि MnSO4 बन जाएगा और फिर वो जो Na है वो Na2SO4 बना देगा, ठीक है ना? और H2O निकल जाएगा, निकाल दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये इसका एक प्रिपरेशन का मेथड है, ये बेसिक था, सिंपल है, अच्छा भी है। दूसरा मेथड देखे क्या है, कुछ आपने पढ़ा होगा चाइल्ड सॉल्ट पीटर, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, आपने 11th में भी सुना होगा चाइल्ड सॉल्ट पीटर, ठीक। ये चाइल्ड सॉल्ट पीटर क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट को बोलते हैं चाइल्ड सॉल्ट पीटर, ठीक, ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है।
इसको इम्पोर्टेंट नहीं माना तो फिर तो किसी को भी इम्पोर्टेंट नहीं मानना, ये इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड सॉल्टपीटर, इससे कैसे आयोडीन बनाया जाता है। दिमाग में एक बात रखें कि जब भी कभी आप चाइल्ड सॉल्टपीटर का कोई भी सैंपल लेंगे तो उसमें प्योर NaNO3 नहीं होता है। चाइल्ड सॉल्टपीटर में हमेशा हमेशा सोडियम आयोडेट और सोडियम पर आयोडेट के स्मॉल ट्रेसेस मिलते हैं। ये सोडियम आयोडेट क्या होता है, सोडियम पर आयोडेट क्या होता है, आओ देखें। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, है ना, ताकि नोट भी करना है आपको। सबसे पहले चाइल्ड सॉल्टपीटर हैज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट, ये है सोडियम आयोडेट, ठीक, प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ सोडियम पर आयोडेट NaIO4, ये पर आयोडेट है, ठीक है ना। ये ऐसे मिलते हैं, तो नामकरण संस्कार भी कर दिया जाए। इस आदमी का क्या नाम है, सोडियम आयोडेट। और इस आदमी का क्या नाम है, सोडियम पर आयोडेट, ठीक है, ये हो गया भाई। अब सोडियम पर आयोडेट और सोडियम आयोडेट में से जो आयोडीन है इसी का काम होगा, तो होने देते हैं। आओ देखो करते क्या हैं, जो करते हैं वो लिखते हैं, ठीक है ना। लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो इनऑर्गेनिक अच्छे से याद होगी। और ध्यान रखें, केमिस्ट्री को याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो पढ़ना है पढ़ें, जो रटना है रटें, पर जो भी रटें उसको लिख कर करें, बिना लिखे नहीं याद होती। और अगर कोई कहता है याद हो जाती है तो झूठी है। चाइल्ड सॉल्टपीटर को डिसॉल्व किया जाता है, इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड क्रिस्टलाइज्ड। ठीक, एंड NaNO3 इज रिमूव्ड, सोडियम नाइट्रेट को हटा दिया जाता है। द रिमेनिंग लिकर कंटेन्स, ज्यादा ऊपर मत जाओ, लिकर शब्द हमेशा बुरा नहीं होता है, कंटेन्स सोडियम आयोडेट। ध्यान रखें, सबसे पहले पानी में चाइल्ड सॉल्टपीटर को घोला जाता है, घोलने के बाद उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। क्रिस्टलाइज कौन हो जाता है, NaNO3, उसको अलग कर दिया जाता है। जब अलग कर दिया जाता है तो जो लिकर बचता है उसके अंदर सोडियम आयोडेट होता है। सोडियम आयोडेट कौन है, ये है अपना सोडियम आयोडेट। कहाँ गया भाई सोडियम आयोडेट, आ जाओ भाई तुम, ये अपना सोडियम आयोडेट है, ठीक, दिस इज आवर सोडियम आयोडेट, ये बचता है। अब ये बचा है तो इसका क्या होगा, जो होगा करते हैं। अब जो बचा है उसको बोलते हैं मदर लिकर, एक मदर टिंचर भी होता है, ये है मदर लिकर, ठीक। और मदर लिकर में क्या है, मदर लिकर में सोडियम आयोडेट है, और ये सोडियम आयोडेट ही काम करने वाला है, ठीक है ना। मदर लिकर से दो हिस्से निकालें आप, दो एरो बनाएं, दो हिस्से निकालें, एक यहां पर और एक यहां पर। आप इसको लिखें फर्स्ट पार्ट इसका क्या करने वाला है। मदर लिकर के दो हिस्से होंगे, फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें लगाना पड़ेगा। देखो ये सोडियम आयोडेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। भैया आयोडीन है, अलग हो जाएगी, और ऑक्सीजन तीन तीन है, इतने ज्यादा ऑक्सीजन है तो कॉमन सेंस है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो काम करना ही है। सोडियम बाइसल्फाइड का इस्तेमाल करिए, NaHSO3 का, ठीक। और NaHSO3 में जो H है ये रामलाल टाइप का आदमी है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, आसानी से H निकालेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट है ये, ठीक, ध्यान रखें इस बात का। जो बन के आएगा वो क्या होगा, आयोडीन का माइनस और SO4 का डबल माइनस, ठीक, समझ आए। जो सेकंड पार्ट है ये क्या होगा, दो पार्ट कर लिए इसके, ध्यान रखें। जो मदर टिंचर था ये मदर लिकर था, इसके दो पार्ट किए, एक फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट।
फर्स्ट पार्ट में आपने सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कराई, जो बन गया, जो बना उसको घोला गया अब सेकेंड पार्ट में, ध्यान रखें, मिक्स्ड विथ सेकेंड पार्ट, जो बन के आया मिक्स्ड विथ सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट से मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, गौर से देखें, अब जो बन के आ रहा है वो यहां लिखा जा रहा है, दैट इज आई माइनस प्लस आई ओ थ्री माइनस, ठीक है ना। अच्छा, आई माइनस आई ओ थ्री माइनस, बहुत बढ़िया। अब देखो गौर से, इसमें आप प्रोटोनेशन करा दीजिए, प्रोटोनेशन होते ही आयोडीन निकल जाएगा, आयोडीन निकल गया। अब याद करो ये क्या रिएक्शन है, ये कॉम प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जो आपने क्लोरीन में पढ़ी थी, ठीक है ना, जो एंड में हुई है, आई माइनस प्लस आई ओ थ्री माइनस, उसमें से प्रोटॉन अगर डाल दिया जाए तो ये बन जाएगा कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान रखें ये आयोडीन हो गया। अब खास बात आयोडीन की क्या है, अब खास बात जो आयोडीन की बचती है वो उसकी प्रॉपर्टीज, तो आइए भैया प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या है कि बहुत खूबसूरत होता है, डार्क रंग होता है, वॉयलेट होता है, ठीक, और कलर पे मत जाओ, स्टेट पे पहले जाओ कि सॉलिड होता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि आयोडीन पानी में इतनी प्यार से सॉल्युबल नहीं होता, ठीक, लेकिन अगर किसी एल्कली में डाला जाए या किसी एसिड में डाला जाए, है ना, या किसी सॉल्ट में डिजोल्व करने के, गर्म करके सॉल्ट वॉल्ट बनाओ ना, तो उसमें आसानी से डिजोल्व हो जाता है। तो लिख लेते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, बट हाईली सॉल्युबल इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन किसमें बनाना, पानी में ही बनाओगे बेसिकली, अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड ले रखा है तो आसानी से आयोडीन उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, डिसॉल्व होगी क्यों हो जाएगी, पानी में, पानी का ही तो सॉल्यूशन है पोटेशियम आयोडाइड का भी, तो उसमें ही क्यों डिसॉल्व हो जाएगी, ऐसा क्या प्यार है उससे। देखो प्यार क्या है, पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन पूरी पूरी घुल जाएगी, के आई थ्री बना लेगी, बड़ी बुरी बात है यार। हाँ बुरी बात तो है, बना लेती, ऐसा होता है, रिएक्शन तो ऐसी है, ठीक है। किस तरह की चीज है ये रिएक्शन, किस तरह की कंपाउंड है, क्या बॉन्डिंग है, क्या नहीं है, तो देखें गौर से, आयोडीन, आयोडीन और आयोडीन ऐसे लगे हुए हैं, और इनके ऊपर एक प्यारा सा बढ़िया सुंदर सा माइनस चार्ज लगा हुआ है, और ये लगा हुआ है प्लस चार्ज। आयोडीन आपस में अटैच है कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक। इसमें लोन पेयर भी दिखाए जा सकते हैं, लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, तुम इसमें लोन पेयर भी दिखा सकते हो। और गौर से देखो, ये जो भी बन के आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई आयोडाइड, ठीक है। और जो बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3d, इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया इसकी बात, अगली प्रॉपर्टी पे आइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हाइपो सॉल्यूशन से इसकी रिएक्शन कराना। हाइपो मतलब देखिए, Na2S2O3, ठीक है ना, ये हाइपो सॉल्यूशन कहलाते हैं। हाइपो सॉल्यूशन से आयोडीन की रिएक्शन कराइए, बड़ी भ्रामक रिएक्शन है, कुछ खास नहीं है, NaI बन जाएगा और फिर यहाँ पे Na2S4O6 बनता है। कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, NaI भी इंपॉर्टेंट है, रियल प्रोडक्ट तो हमारा यही है, लेकिन ये याद रखना है कि ये बनता है। आगे बढ़ें और अगली रिएक्शन देखें, अगली प्रॉपर्टी क्या है। मान लो आपने अमोनिया लिया, अब अमोनिया लिया और आयोडीन की रिएक्शन कराई, ध्यान रखें अमोनिया को आपको लिक्विड स्टेट में नहीं गैसियस स्टेट में लेना है, आयोडीन की रिएक्शन कराइए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे होगी, ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे होगी, फ्लोरीन तो खैर बहुत ही खतरनाक आदमी है, गुंडा टाइप का आदमी है, आप रिएक्शन कराते हैं तो आप रिएक्शन कराने से बचते ही हैं क्योंकि ब्लास्ट ब्लास्ट कर देता है, लेकिन जब आप आयोडीन के अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता, और आसानी से तो क्या, ये रिएक्शन ही नहीं करता, आपको कभी भी अमोनिया के साथ आयोडीन का कंपाउंड देखने सुनने को नहीं मिलेगा, वो इसी वजह से आयोडीन रिएक्शन नहीं करता, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप क्लोरीन के करा के देंगे, क्लोरीन रिएक्शन करेगा, HCl की कराएं, HCl करेगा, ठीक। अब क्या कभी भी आयोडीन अमोनिया से रिएक्शन नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है, अगले ही पल में हम अमोनिया को
बदल कर ले आते हैं, मतलब अमोनिया का चेहरा बदल देते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में ले आते हैं और फिर आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, और आयोडीन से कहते हैं इस बार तुम रिएक्ट कर लो, ये देखो क्या है। वो ये समझ नहीं पाता कि भैया ये गैस वाला जो गैस में अमोनिया था वो लिक्विड में है, ये समझ नहीं पाता और आसानी से रिएक्शन करता है। देखो क्या बनाता है, Ni3.NH3 और यहाँ पे बनेगा HI। अलग बातें हैं, ये जो कंपाउंड है बड़ा ही घटिया दो कौड़ी का कंपाउंड है, अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल हैं वही हाईली रिएक्टिव हैं, जो हाईली रिएक्टिव हैं वही बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे, जो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे तो हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन दिखाते हैं, दे शो एक्सप्लोजन। ठीक, ये एक्सप्लोजन देते हैं। अच्छा, ये जो बन के आया इसका आप डिकम्पोजिशन कराइए, क्योंकि एक्सप्लोजन दे रहे हैं ना, तो आप डिकम्पोजिशन कराइए। मान लीजिए आपने Ni3 और NH3 का डिकम्पोजिशन कराया, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब गर्म कर दिया। गर्म करते ही यहाँ से नाइट्रोजन गैस फुर हो जाएगी, आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में अलग आ जाएगा और अमोनियम आयोडाइड आपके पास बचेगा। यही तो कंपाउंड था जो हमें चाहिए था, जो अकेले में नहीं बन पा रहा था, क्लोरीन बना रहा था। तो सही मानों में आप लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके, थोड़ा बहुत एक्सप्लोजन बर्दाश्त करके अमोनियम आयोडाइड बना सकते हैं, जो इतनी आसानी से नहीं मिलता, डायरेक्ट गैस अमोनिया नहीं बनाती। ठीक, कुछ कंपाउंड्स की बातें कर लेते हैं। आयोडीन खत्म हो गया, एस्टेटिन तो वैसे ही नहीं पढ़ना था क्योंकि अपना चेहरा बदलता रहता है, बदलते हुए आदमी से हमें कोई मतलब नहीं होता। अब चर्चा किसकी, अब चर्चा कुछ कंपाउंड्स की। कंपाउंड कौन कौन से, तो सबसे पहले हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, फिर एल्कली मेटल्स के साथ हैलोजन के कंपाउंड पढ़ेंगे, इस तरह से हम कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है, कैसे इसको बनाया जा सकता है, वगैरह वगैरह अपने को पढ़ने। तो आइए देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या करता है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ही पढ़नी है, तो आप यह प्रिपरेशन पढ़ें। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ के HF2। ये पहले भी एक बार हम देख चुके हैं कि HF2 की रिएक्शन है ना, तो के HF2 की रिएक्शन देखनी है। इसका थर्मल, इसको थर्मली डिकम्पोज कराओगे तो HF बन के मिलता है। दिमाग में एक बात रखनी है कि ये जो HF2 वाला कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर होती है, ये H बॉन्डेड टाइप का कंपाउंड है। दिमाग में इस बात को रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है, पूछा जाता है कई बार, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए। खैर, रिएक्शन स्कीमेटिक डायग्राम रिएक्शन का क्या बनेगा, बना लीजिए। बनाते समय आपको दिखाई देगा कि आप लिखेंगे K, अंदर लिखेंगे HF2, H बॉन्डेड कंपाउंड, फिर यहाँ लगाएंगे समोसा मतलब हीट, क्या होगा, KF अलग और HF अलग। अगर इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की गई है, एक्सोथर्मिक कंपाउंड है, तो कॉमन सेंस है कि जो ये HF है ये सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है, गैसेस स्टेट में निकलता है, कंडेंस किया जा सकता है, टेम्परेचर कम करोगे दोबारा से मिल जाएगा। सेकंड प्रोसीजर क्या है इसका, सेकंड रिएक्शन देखिए क्या है। आप कैल्शियम फ्लोराइड लीजिए और फिर आप लीजिए H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। जब आप ऐसा लेते हैं तो CaSO4 बन जाता है और HF बन जाता है। आप बैलेंसिंग कर लीजिए या 2 लगा लीजिए, वो अलग बात है, बैलेंसिंग का कोई रोल नहीं है, बस इतना समझ आना चाहिए कि हाँ स्कीमेटिक डायग्राम क्या है, बैलेंसिंग का खुद ही करेंगे काम है। अच्छा, ये काम अभी तक जब आप कर रहे थे तो ये काम आप ब्रोमीन के साथ नहीं कर पा रहे थे, आयोडीन के साथ नहीं कर पा रहे थे, क्लोरीन के साथ नहीं कर पा रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता था। फ्लोरीन अपने आप में बहुत शानदार आदमी है, ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है और यही चीज़ें, ये आसानी से जो की गई रिएक्शंस हैं, यही रिएक्शंस फ्लोरीन को इतना इंपॉर्टेंट बना देती हैं पेपर के एग्जाम के पर्सपेक्टिव में। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद अब पहुंचना चाहिए प्रॉपर्टीज पे, और भी रिएक्शंस लिखाई जा सकती हैं HF बनाने की, और जो स्टैंडर्ड NCERT में दी गई रिएक्शंस है आप एग्जाम में आने वाली, वो यही है। ठीक, प्रॉपर्टीज मेन तो ये है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो HF है वो कलरलेस है, कोरोजिव है, लिक्विड है,
जो ग्लास पर अटैक करता है, सिलिकेट्स पर अटैक करता है, सिलिका पर अटैक करता है। ओहो, यानी HF ग्लास पर अटैक करता है। यानी कि जैसे हम लोग HCl को ग्लास में भर के रख लेते हैं, देख कांच के बर्तनों में भर के रखते हैं टेस्ट अपने लैब्स में, HF को नहीं रख सकते। हाँ, नहीं रख सकते, समझे? तो सबसे पहली बात लिखते हैं कि ये कलरलेस है। कोई पूछे HF कैसा दिखता है, कलरलेस दिखता है। दूसरी बात, कोरोसिव है, और कॉमन सेंस से कोरोसिव होना भी चाहिए यार। HCl से देखो ना, उतना नहीं हो सकता पर होगा तो सही। लिक्विड है, लिक्विड कब है, एट रूम कंडीशंस, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, अटैक्स ग्लास, सिलिका एंड सिलिकेट्स, बातें की है। हाँ, अब अगर ये अटैक करता है तो ये क्या करता है, क्या इसका कोई इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर ग्लास को हमेशा इसे दूर रखना चाहिए? तो दूर नहीं रखना चाहिए, आप इसका इस्तेमाल ग्लास के साथ रिएक्शन कराकर ग्लास को ट्रांसपेरेंट से ट्रांसलूसेंट बनाने में कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ग्लास का एक स्लैब होता है, कई लोगों के यहाँ नेम प्लेट वगैरह लगी होती है, और बारजे पर भी कई बार ग्लास के शीट्स लगी होती हैं। वो शीट्स पूरी पूरी ट्रांसपेरेंट होती हैं, और यहाँ लिखा होता है स्वागत। और ये स्वागत जो लिखा हुआ है वो किसी चीज से नहीं लिखा है, बेसिकली इस जगह का जो ग्लास है वो ट्रांसलूसेंट हो चुका है। कई बार आपने देखा होगा बढ़िया बढ़िया फूल के पत्तियों के डिजाइन बने होते हैं कांच पे, किसी चीज से नहीं बने होते, बस वो वहां का जो कांच है वो अपने आप ही ब्लर हो चुका है, ट्रांसलूसेंट हो गया, बाकी पूरा ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई दे रहा है, किसी किसी एक जगह का वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। वो इसी से कराया जाता है, उन पर्टिकुलर जगहों पर HF की रिएक्शन कराई जाती है, HF डाला जाता है, ये उस पर अटैक करता है, उसको कोरोड करता है, और जो चिकनी सी सरफेस है उसको थोड़ा सा खराब करता है, जिसकी वजह से वो ब्लर्ड हो जाती हैं, ट्रांसलूसेंट हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को एचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। इचिंग नहीं, एचिंग, ध्यान रखना। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर एचिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। अच्छा, एक बात और कि जब ये एचिंग ऑफ ग्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो HF को किस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, पूछा जा सकता है भाई कि आप HF लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, या HF को जमा कर उसको फ्रीज कराकर सॉलिड स्टेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्वस स्टेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, या मोल्टन स्टेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसको किसी एल्कली में डिजोल्व करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, कई सवाल हो सकते हैं। तो जवाब यह है कि जब भी आपको एचिंग ऑफ ग्लास का इस्तेमाल करना हो तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि आपको एक्वस सॉल्यूशन लेना है। अच्छा, पानी में घोलना है, हाँ पानी में घोलना है। दूसरी बात, कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी अबाउट 40%, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से, ध्यान रखिएगा, रटना है सीधा सीधा, ठीक है, रटते रहिए, काम करते रहिए, रिएक्शंस देखते हैं लाइन से, बढ़िया बढ़िया अच्छी रिएक्शंस हैं, करते हैं। Na2SiO3, सिलिकेट लिख दिया हमने, HF की रिएक्शन कराई, बोला था अटैक करता है, Na2SiF6 बनेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है, बना दो CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट ले लीजिए, HF से रिएक्शन कराइए, फिर वही CaSiF6 और वाटर निकलेगा, सिमिलर रिएक्शन है, SiO2, HF की रिएक्शन कराइए, SiF4 निकालिए और H2O निकालिए। अब ये SiF4 जो है इसमें आप HF की फिर से रिएक्शन कराइए, तो यहां क्या बनेगा, H2SiF6, ध्यान दो, ये जहां जहां एल्कली जोड़ा जा रहा है वहां वहां आप हाइड्रोजन ले आए हैं, हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स लाइक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा रहे हैं आप, ठीक है ना। और दूसरी बात, फ्लोरीन जो है बहुत शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार, कहीं का भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कुछ भी कर देगा, कोई भरोसा नहीं उसका, कहीं भी अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कंपाउंड बन के आया इसका एक नाम भी है,
और ये नाम एनसीईआरटी में मेंशनड है और आपको याद भी रखना है। इसका नाम है फ्लोरोसिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CCl4 की। एक अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बहुत अच्छा कंपाउंड, जिसमें कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसके बाद भी डाइपोल मोमेंट जीरो है, नॉन पोलर कंपाउंड। ये बहुत ही खूबसूरत कंपाउंड है जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को बताता है, दूसरा ये कि बहुत सारे आइडियाज़ को जन्म देता है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी अगर चीज़ों को एक्सप्लेन करना हो तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर CCl4 बहुत सारे टर्म्स को एक्सप्लेन कर पाता है, या ऐसे एग्जाम्पल्स की वजह से हम ये समझ पाते हैं कि क्या क्या ट्रेंडिंग हो सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भैया फ्लोरीन तो जाके अटैक करने ही वाला है, तो कर देगा, CFCl3 बनाएगा, एफ अटैक करेगा और HCl करके निकल जाएगा। आप इसकी फिर से HF से रिएक्शन कराइए तो एक CL के साथ निकल जाएगा, एक H और F जाके फिर जुड़ जाएगा, तो बनेगा CF2Cl2। याद करो ये क्या चीज़ है, और HCl तो निकल ही रहा है, वो तो साइड प्रोडक्ट है, जाने दो उसको। इसको हम लोग 10th स्टैंडर्ड में बोला करते थे क्लोरो फ्लोरोकार्बन, इसी को आज की तारीख में नाम दिया जाता है फ्रेयॉन्स। पी नहीं है भैया, वो एफ है, पेन उठा नहीं मेरा, फ्रेयॉन्स, ठीक है ना, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ये फ्रेयॉन्स इस्तेमाल कहाँ होता है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, फ्रिजर में जो गैस चलती है, जो हम लोग की फ्रिज में गैस पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं कि गैस खत्म हो गई है, फिर ठंडी नहीं कर रही है, वो गैस बेसिकली यही है जो फ्रेयॉन बना आखिरी में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, जिससे बनाया जाता है। आप इसको CCl4 की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, एक ही जैसी है क्योंकि बन तो दोनों आपस में ही रही साथ में। खैर, इसके अलावा जो और हाइड्रोजन के फ्लोराइड्स हैं उनकी चर्चा करें। ये फ्लोराइड बोल दिया, हैलाइड्स, अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स, जैसे आपके सामने HCl हो सकता है, आपके सामने HBr हो सकता है, आपके सामने HI हो सकता है। इन तीनों पे चर्चा अभी नहीं हुई है, HF पे हुई है। इन तीनों पे भी एक एक करके चर्चा करते हैं, या तीनों पे एक साथ ही कर लें, क्या बुराई है, क्योंकि लगभग लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी देते हैं, कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं है इन दोनों में, है ना। फ्लोरीन अपना थोड़ा सा इनकी कैटेगरी से अलग है, महान आदमी है, लड़ाई झगड़े ज्यादा करता है, तो उनको अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इनको बनाने के प्रेपरेशन के क्या क्या मेथड्स हैं वो देखिए। प्रेपरेशन के मेथड्स ये हैं कि भैया आप H2 लीजिए, आप Cl2 लीजिए, चुपचाप से HCl बना दीजिए। क्लोरीन तो बड़े प्यार मोहब्बत से बन जाता है, इसमें कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको डिफ्यूज सनलाइट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि क्लोरीन जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। अब थोड़ी बहुत सनलाइट दें, बहुत डिफ्यूज, तो ये आसानी से, बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाता है। पर यहीं पर आपको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करानी हो तो ब्रोमीन जो है वो इतनी आसानी से प्यार मोहब्बत से रिएक्शन नहीं करता, इसको थोड़ी घूस लगती है, कोई ना कोई कैटलिस्ट लगाना पड़ता है। आप प्लैटिनम यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो, वरना निकल से इतना यील्ड ज्यादा नहीं होता, तो आपके पास HBr बन जाएगा। इसकी जगह आप हाइड्रोजन और आयोडीन ले लीजिए, तो आयोडीन की डिमांड प्लैटिनम की ही होती है, ये तो और ज्यादा घूस लेने वाला आदमी है, तो 2HI बन जाएगा। रिएक्शन सिमिलर है बट ईज ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा घटता चला जाता है, क्लोरीन आसानी से रिएक्शन करता है। तो अगर हम ये कहें कि इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी लिखो भाई, कौन आसानी से रिएक्ट कर रहा है, कौन धीमे धीमे रिएक्ट कर रहा है, तो सबको पता है कि आयोडीन बहुत देर से रिएक्ट करता है, ब्रोमीन उससे तेज, क्लोरीन बहुत शानदार है, फ्लोरीन तो भाई पापा ऑफ ऑल, ठीक है ना। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, मजेदार कंसेप्ट, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी प्रिपरेशन का क्या मेथड है देखें। मान लो कि आपको दिया गया सोडियम क्लोराइड, देश का नमक, ठीक, आपने H2SO4 लिया और वो भी बहुत शानदार कॉन्सेंट्रेटेड टाइप का,
अब कॉन्सेंट्रेटेड, अब इसको ना अब थोड़ा सा गर्म तो आपको करना पड़ेगा। 420 केल्विन तक ले गए, कितना गंदा नंबर है। नहीं, इसके आसपास 400 केल्विन के आसपास, ये एग्जैक्ट नहीं होता है कि 420 तो 419 लिखोगे गलत हो जाएगा, बकवासबाजी है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अदर कंडीशंस ऑल्सो, प्रेशर पे डिपेंड करता है, वेपर के कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, आसपास की दूसरी गैसेस पे भी डिपेंड करता है, इम्प्योरिटीज पे भी डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर में वेरी। तो अगर रिएक्शन में लिखा हुआ है 723 केल्विन, तो चिपक के मत चलो कि 723 केल्विन होगा तभी रिएक्शन होगी, कम होगा तो नहीं होगी। वो 10-15 केल्विन पीछे भी हो सकती है और 10-15 केल्विन आगे भी हो सकता है, इनिशिएट ही ना हो। रिएक्शंस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पर वो एक लगभग बढ़िया सा एवरेज दे देते हैं, ठीक है ना। HCl बना, निकल गया, कैसे कैसे कैसे, लॉजिक है यार। और याद रखो ये NaHSO4 बनेगा, और अगर नहीं याद है तो 10th क्लास की रिएक्शन याद करो कि अगर ये टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा दिया जाए, तो फिर ये टेम्परेचर बढ़ते 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 ऐसा होगा कि NaHSO4 जो बाई सल्फेट बन रहा है वो बाई सल्फेट ना बनके सोडियम सल्फेट बनेगा। अच्छा हाँ, ऐसा होता है सच में, सच में हाँ होता है, यही है भैया। जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कॉमन सॉल्ट से कराएंगे तो NaHSO4 Na2SO4 दोनों बनते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो Na2SO4, कम है तो NaHSO4 बनेगा, ठीक। इसको सॉल्ट केक मेथड बोला जाता है, सॉल्ट केक मेथड, हाँ भैया सॉल्ट केक मेथड बोला जाता है। ये सॉल्ट केक मेथड है। इसके अलावा और क्या है, अभी जो NaHSO4 बन के आया इसके साथ भी कुछ खिलवाड़ किया जा सकता है। करो भैया क्या कर सकते हो, मान लो आपने जो NaCl लिया है इसकी रिएक्शन आप इसी NaHSO4 से ही करा दीजिए, तो क्या होने वाला है, आप देखो इसकी रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा टेम्परेचर पर है, 820 केल्विन के आसपास टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, Na2SO4 बन जाएगा। मैंने कहा था टेम्परेचर बढ़ाओगे यही होने वाला है, और फिर HCl बन जाएगा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे HCl लिक्विड तो नहीं मिलने वाला, तो आपको वेपर ही मिलेगी, निकल गई। अच्छा एक बात और कि जो HCl निकली इसमें क्या वाटर वेपर नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा यार। NaHSO4 जो है वो सॉल्ट है और हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, ये सोडियम सॉल्ट जो है दीज आर ऑल हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं फंसे होते हैं, ट्रैप्ड नहीं होते हैं, वो ट्रैप्ड होते हैं। तो HCl जब निकलेगी तो वाटर वेपर भी निकलेगी, और वाटर वेपर जो निकलेगी HCl में वाटर वेपर मिली होगी, अगर आप उसको लिटमस में पास कराओ तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगी, तो हम कहेंगे कि एसिडिक है यार, ये तो ड्राइड नहीं है HCl। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं किसी तरह से HCl को ड्राई किया जाए, ड्राई किया जाए, वाटर वेपर से निकाल दी जाए, आपकी इच्छा है जबरदस्ती की HCl को ड्राई करने की, तो ड्राई कैसे करोगे, तो ड्राई करने के लिए ड्राइंग एजेंट लगेगा। ड्राइंग एजेंट कौन सा लगेगा, तो ये डिपेंड करता है कि कौन HCl को ड्राई कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। HCl can be dried by concentrated H2SO4। अच्छा इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, एक लॉजिक जो सबसे पहला आता है वो ये है कि एक एसिड को ड्राई करना है, अगर किसी बेसिक मटेरियल से ड्राई करोगे तो वो भैया है तो पहले से ही थोड़ा बहुत वेपर तो उसके अंदर है ही, तो H+ तो निकल ही सकता है, तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन दे देगा और फिर ड्राई व्राई तो नहीं होने वाला, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। और अगर आपको इससे बचना है तो कॉमन सेंस है कि कोई ऐसा ही रिएजेंट लेना चाहिए, ऐसा ही ड्राइंग एजेंट लेना चाहिए जो कि बेसिक करेक्टर ना रखता हो। H2SO4 सबसे पहला नंबर है, तो आपका आंसर तो कभी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि और दूसरों से नहीं होता है, बट कांट बी ड्राइड बाई P4O10, जो कि बहुत अच्छा ड्राइंग एजेंट है। और इसके अलावा और क्विक लाइम, अगर आपको क्विक लाइम का फॉर्मूला याद है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहलाता है, उससे भी हम इसको ड्राई नहीं कर सकते, बेस है भैया, रिएक्शन कर जाएगा, कॉमन सेंस। तो जरा रिएक्शन लिख लेते हैं तो अच्छा लगेगा। मान लो कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया और आपने HCl लिया, देखो क्या बनने वाला है, CaCl2 प्लस H2O, एसिड बनी, एसिड बेस रिएक्शन। P4H10 की रिएक्शन करा लीजिए, क्या बना भैया HCl से, HPO3 और POCl3, ये रिएक्शन रट के रखना, ये POCl3 बनता है। आप सुने, कई बार दिमाग में बच्चों के सवाल आता है और पूछते भी हैं कि H2S तो एक एसिडिक गैस है, तो जवाब आता है हाँ बिल्कुल है,
और अगर एसिड की वजह से ही H2SO4 को हम इस्तेमाल कर रहे थे HCl को ड्राई करने में, तो H2S को क्यों नहीं करते हैं? तो देखो कि H2S को जब हमें ड्राई करना होता है तो हम H2SO4 की रिएक्शन उससे नहीं कराते हैं। नहीं कराते हैं, क्यों नहीं कराते हैं? अगर कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। सवाल लिख लेते हैं पहले, वाई H2SO4 इज नॉट यूज्ड टू ड्राई हाइड्रोजन गैस एंड H2S गैस। ठीक, तो मान लो ये कराया, तो H2SO4 क्या है? ड्राइंग एजेंट है, हाँ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाँ। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग भी तो है, हाँ है। और ये तो भैया हाइड्रोजन को तो कोई भी थप्पड़ मार के कहीं भी निकाल ले जाएगा, ताकतवर आदमी नहीं है। तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये उसको ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर का आपका PPT बना देगा, सल्फर बैठ जाएगा नीचे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। ओहो, मतलब ड्राइंग एजेंट के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी काम कर रही है, तो H2SO4 के साथ ही काम नहीं कर सकते? तो सिर्फ एसिड बेस वाला ही करेक्टर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा आप H2 की रिएक्शन ले लीजिए, H2SO4 से करा लीजिए, तो फिर देखिए क्या होने वाला है। समझे क्या है? H2 कांट बी ड्राइड बाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज हीट लिबरेटेड मे कम्बस्ट द फॉर्म्ड H2। जैसे अगर आपने कहा कि H2SO4 से आप H2 की रिएक्शन कराइए, तो जो H2 ये निकालेगा वो, सच बात तो ये है कि ड्राई तो कर देगा, बिल्कुल तय है। यहाँ तो कोई रिएक्शन नहीं होनी, ऐसा तो नहीं कि H को हटा के H आ जाएगा, तो मतलब ही नहीं उन बातों का। लेकिन ये जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखें, दिस इज नॉट वेरी सिंपल रिएक्शन, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम क्या करें, हम क्या करें, देखें, जो भी ये H2 बन के आई, इस H2 में ये इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाती है, दिस हीट मे कंबस्ट, दिस हीट मे कंबस्ट H2 फॉर्म्ड। ठीक, और कंबस्ट करेगी तो क्या होगा भैया? पानी तो पहले से ही था, है ना। पानी क्यों था? क्योंकि उसी में तो गीली थी हाइड्रोजन, तो जो भी था उसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ कंबशन होगा तो वाटर वेपर दोबारा बन जाएगी। तो जो H2 आप ड्राई कर रहे थे, आपने तो उससे हाइड्रोजन को भी हाथ धो बैठे आप हाइड्रोजन से, इसलिए आप हाइड्रोजन के साथ H2SO4 की रिएक्शन नहीं करना चाहते। ऑल्दो वो ड्राई कर देगी, पर जो हीट इवॉल्व होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि हाइड्रोजन को ही कंबस्ट कर देगी। अब देखें अगली कहानी कि HBr, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर करता हूं इसको, HI, ये दोनों के दोनों जो अभी हमने मेथड इस्तेमाल किया था ना ऊपर, उससे नहीं बनाए जा सकते। जो सोडियम होता है ना, सॉल्ट के एक मेथड वगैरह जो बताया था अभी, वो नहीं बनाए जा सकते उससे। कांट बी प्रिपेयर्ड बाई अबव मेथड, जो पहले पढ़ाया, ठीक है। अच्छा कैसे, समझे? मान लो आपने NaBr लिया और NaI लिया और इसकी रिएक्शन करा दी, मान लो आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो यहां आपको क्या मिलने वाला है? गौर से देखो, फिर वही बात कि ब्रोमीन निकल जाएगा और आयोडीन होगा तो आयोडीन निकल जाएगा। सर इसमें आप एरो क्यों लगा रहे हैं? एक लिक्विड एक सॉलिड है भैया, बहुत सारी हीट निकल रही है, उसको टेम्परेचर बढ़ा के बॉइलिंग के ऊपर ले जाएगा तो ये निकल जाएगा, ये मतलब है, ठीक है ना। हीट इवॉल्व को ध्यान में रख के लिखा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकल जाएगी, इसलिए आप कंपाउंड्स नहीं बना सकते, HBr HI नहीं बना सकते इससे, ठीक। अच्छा बहुत बढ़िया, प्रॉपर्टीज की चर्चा करें, आओ भाई प्रॉपर्टीज की चर्चा करें। लेक्चर अपने समापन की ओर है, प्रॉपर्टीज पढ़ें, प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद लेक्चर फिनिश हो जाएगा। देखिए, नोट्स बनाइए, फिर से देखिए, कलर लेस पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी पंजेंट स्मेल होती है। वैसे सबकी स्मेल आपने शायद ना भी महसूस की हो, पर अगर आप लैब गए हैं स्कूलों में तो आपको मालूम होगा कि HCl की स्मेल तो पक्का पंजेंट होती है, तो जैसी उसकी है उसी तरह से कुछ इनकी है, ठीक। दूसरी बात, ये जो कंपाउंड्स हैं वो नॉर्मली गैसियस स्टेट में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर का क्या मतलब है? अकेले नहीं रहते? अरे जो एसिड का कंसेप्ट है वो तो यार यही है ना कि जब तक पानी में नहीं डालोगे तब तक वो एच प्लस नहीं निकालेंगे, जब तक वो एच प्लस नहीं निकालेंगे प्रोटॉन डोनर नहीं होंगे, तब तक वो एसिड नहीं कहलाएंगे। तो जब आप पानी में डालते हैं, एच प्लस निकालते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि इनका रेट ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई। ठीक, जरा पेज चेंज करें, फिर आगे की स्टोरी बढ़ते हैं। अब पानी से रिएक्शन कराने की कोशिश करिए। पानी से रिएक्शन किसकी कराएं? HX की। हाँ बिल्कुल, HX की रिएक्शन कराइए। जैसे ये HX है अपना, इसकी रिएक्शन कराई गई H2O से, और H2O किस फेज में लिया गया? लिक्विड फेज में लिया गया। ध्यान रखें फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में जहां भी इंपॉर्टेंट है जहां जरूरी है फेजेस लिख रहा हूं, और अगर जहां मैं लिख रहा हूं वहां इसका मतलब लिखना जरूरी है, क्योंकि आपने अमोनिया में देखा लिक्विड स्टेट में रिएक्शन होती है और सॉलिड गैसेज स्टेट में नहीं होती है। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक में इस बात का बहुत ध्यान देना है। H3O प्लस आयन निकल जाएगा क्योंकि यहाँ से एक एस टूटेगा एक, और ये माइनस टूटेगा तो प्रोटोनेशन हो जाएगा और यहाँ पे ये एक्स माइनस बन जाएगा। ठीक, तो कॉमन सेंस है जहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन ज्यादा निकलेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनने वाला है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HI। उसके बाद कौन होगा? HBr। उसके बाद कौन होगा? HCl। उसके बाद कौन होगा? HF। ये क्या बात है सर, HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, होता होता कुछ नहीं था। जिसका बॉन्ड सबसे वीक होगा वो टूटेगा सबसे जल्दी, जो टूटेगा सबसे जल्दी वो एच प्लस देगा सबसे जल्दी, जो एच प्लस देगा सबसे जल्दी वही होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब चर्चा, अब एक नई चीज आती है जिसको बचपन में बहुत अच्छी तरह हम लोग सुन सुन के 10th स्टैंडर्ड में, CBSE में शायद नहीं पढ़ाया जाता है इतना डिटेल में, ICSE के बच्चे पढ़ते हैं, एक्वा रीजिया। इसका हमेशा बहुत क्रेज रहता है बच्चों में कि ये क्या चीज है, हिंदी में हम लोग राज बोलते हैं इसको, ये क्या है एक्वा रीजिया, जिसका इतना स्कोप, इतना क्रेज है बच्चों में कि एक्वा रीजिया एक्वा रीजिया। तो HCl का इस्तेमाल जो है एक्वारीजिया बनाने में किया जाता है। HCl इज यूज इन मेकिंग या प्रोड्यूसिंग एक्वारीजिया। ये एक्वारीजिया, ठीक। अच्छा एक्वारीजिया होता क्या है? बचपन से पता है हमें, कुछ खास नहीं है उसमें। 3:1 रेशियो में मिक्सचर अगर लिया जाए, किसका लिया जाए? HCl एंड HNO3। ये ऑर्डर इस्तेमाल जरूर करें, HCl पहले HNO3 बाद में, क्योंकि 3 और 1 लिया गया है तो ये 3 रेशियो में है, ये 1 रेशियो में है, ध्यान रखें। और बात ये है कि ये HCl भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और ये HNO3 भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, तो जो इनका मिक्सचर आएगा वो कहलाएगा एक्वा रीजिया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, एक्वा रीजिया कहलाएगा। एक्वा रीजिया करता क्या है? सबसे पहली बात, एक्वारीजिया ऐसा एसिड है जो कि उनको भी डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, जिनको कि नाइट्रिक एसिड जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेटल्स को डिसॉल्व करने का काम आता है, वो भी जिन मेटल्स को नहीं कर पाता सच एज प्लेटिनम और गोल्ड, उनको एक्वारीजिया अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। और एक्वारीजिया कर कैसे पाता है? फ्री रेडिकल रिएक्शन है, क्लोरीन की है, उससे ऐसा हो जाता है। अच्छा तो यूज लिखें सबसे पहले एक्वारीजिया। Is used to dissolve gold and platinum, ठीक, जिनको हम नोबल मेटल बोला करते हैं, ठीक, विच आर नॉट इवन डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये भी लिखना जरूरी है क्योंकि ये तो बताओ ना कि अगर गोल्ड और प्लेटिनम को घोल लेते तो क्या महान बात है उसके अंदर, कि घोल लेते तो क्यों पड़े? अरे ये नहीं डिजोल्व होते किसी में, विच आर नॉट इवन डिजोल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अच्छा कैसे घुल जाते हैं जरा ये बताइए। घुलने का तरीके का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप उसको घोल दें चीनी की तरह घुल गए, केमिकली रिएक्ट कराइए आप, कोई बढ़िया सा कॉम्प्लेक्स बनाइए आप, देखो क्या होता है। गोल्ड की रिएक्शन बता रहा हूं, HNO3 लिया गया और HCl लिया गया। अब इसमें जो
रेशियो है 1:3 का है, ठीक है लेते रहिए। क्या बनेगा? HAUCl4 सबसे पहले तो ये बनेगा, NO बनेगा, H2O बनेगा, ठीक। ये जो HAUCl4 लिखा गया है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, H+ AuCl4- ऐसे करके, ठीक है ना। तो H जो है वो प्लस स्टेट में। अब देखो गौर से, तो गोल्ड ने अपना एक बढ़िया सा कंपाउंड बना लिया है। तो बेसिकली आप एक्वा रिजिया के अंदर उसको डिसॉल्व कर चुके हैं। ये रिएक्शन इनिशिएट जो है वो नाइट्रिक एसिड नहीं कर रहा है, वो ये रिएक्शन इनिशिएट जो है वो HCl का जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है वो कर रहा है। क्लोरीन का फ्री रेडिकल पहुंचता है और गोल्ड के साथ अपनी रिएक्शन करता है। ये गोल्ड के साथ जो रिएक्शन फ्री रेडिकल टाइप हो रही है क्लोरीन की, वो बनने के बाद फिर हाइड्रोजन उस पर अटैक करता है और एक बढ़िया सा कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। अगली कहानी प्लेटिनम की है, प्लेटिनम की भी रिएक्शन लिख लो, लिख ही रहे हो तो 4HNO3+18HCl आपने लिए, ये बैलेंसिंग है डायरेक्ट लिख दिए, आप चाहो तो बैलेंस करते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PtCl4+4NO+8H2O जो भी कुछ है बात वही है कि जैसे पहले रिएक्शन हुई थी सेम टू सेम अभी भी रिएक्शन हो रही है। बस ये जो हिस्सा आपका है इसको आप देखो कैसे लिख सकते हो, इसको लिखने का वही पुराना तरीका जैसे हम लोगों ने उसमें किया कि आप H प्लस निकालिए और यहाँ पे प्लेटिनम लीजिए, Cl4 लीजिए और माइनस लगा दीजिए, ठीक। और ऐसे में आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ जाएगा, काम खत्म। आया होगा आई थिंक, कोई परेशानी नहीं, सिंपल ये हो गया भाई, प्रॉपर्टी हो गई। HCl की एक्वारिजिया बना लिया, एक्वारिजिया में डिजॉल्व भी करा लिया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? कॉमन सेंस यार, हाइड्रोजन है उसके पास, और दूसरी बात कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, आसानी से ये लोग हाइड्रोजन को निकालेंगे और भेज देंगे कहीं भी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखें, सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसकी है? HI की। फिर किसकी है भैया? HBr की। फिर किसकी है? HCl की। फिर किसकी है? HF की। ऐसा कैसे बोला? अरे जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतनी जल्दी H निकालेगा, जो जितनी जल्दी H निकालेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग होगा, ठीक है ना। अब अगर यहां पे इस HI पे देखें तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, पर अगर इन HCl और HF को देखें तो कोई अगर कहेगी क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है भी, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं नहीं ये वैसे कोई रिड्यूसिंग एजेंट टाइप लोग नहीं है, क्योंकि जब भी इनमें बॉन्ड फ्यूजन होता है ना तो इन जनरल होमोलिटिक टाइप नहीं होता है, हेट्रोलिटिक टाइप होता है। तो जो हाइड्रोजन निकलती है वो अपने आप में फ्री रेडिकल टाइप ना होकर H प्लस ही निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि इनकी जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो नेगेटिव है, नेगेटिव या नेग्लिजिबल बोल दो तो बेहतर है, नेगेटिव शब्द थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। नेग्लिजिबल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो इनके ऐसा सच कोई प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग होती नहीं है। अच्छा एक बात, अब कुछ ट्रेंडिंग पढ़ लें आयंस की, आई माइनस, ब्रोमीन माइनस, क्लोरीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, एफ का तो कबाड़ा ही हो गया, फ्लोरीन माइनस। ये क्या चीज है? जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तो हम घटता हुआ देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? रिड्यूसिंग एबिलिटी को घटता हुआ देख रहे हैं। तो हम लिखेंगे डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग एबिलिटी, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, है भी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखें कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि हमने HI लिया या फिर मान लो HBr लिया, इसकी रिएक्शन कराई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, और H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप रिएक्शन कराइए तो जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो या तो I2 निकलेगा, और अगर HBr लिया होगा तो भैया Br2 निकलेगा, और ऐसा करने पर SO2 निकलेगा और H2O निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया, और क्या कराया जाए? मान लो कि आपने कहा कि मेरे पास आयरन था +3 स्टेट में, और आपने उसकी रिएक्शन आयोडीन से करा दी, आयोडीन निगेटिव है आयोडाइड आयन से, और इसको लिया हुआ है एक्वस स्टेट में। दिमाग में बात रखना कि एक्वस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो ये प्लस टू स्टेट में आ जाएगा और आयोडीन जो है वो माइनस स्टेट में रहेगी। अच्छा, एक आयोडीन पे माइनस था, तीन आयोडीन पे माइनस है। हाँ बिल्कुल, क्या किया इसने, रिड्यूस किया। देखो, हायर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट से लेकर इसको एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले आया, प्लस थ्री से प्लस टू पे ले आया, तो बेसिकली रिड्यूस हुआ। ठीक, ये हो गया। इसी तरह आप कॉपर का एग्जांपल ले सकते हैं, प्लस टू स्टेट में हो, आप आई माइनस एक्वस से रिएक्शन करा दीजिए तो वो सी यू आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सी यू आई में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, और ये आई थ्री माइनस बनेगा। आयरन का आयोडाइड क्यों नहीं बना था, बन सकता था, पर आप देखें गौर से तो जो आयोडाइड बना है इसमें जो आपका कॉपर है वो प्लस वन स्टेट में, जबकि यहाँ किस में है, प्लस टू स्टेट में है, तो दिखाई देता है कि प्लस टू से प्लस वन पे आ गया है, यानी कि रिड्यूस हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, तो हमें इसको इस तरह लिखना चाहिए, प्लस टू से प्लस वन। ठीक है ना, ये जो कलर है इस कंपाउंड का वो वाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम कहेंगे कि रिड्यूस हुआ है, सिंपल। अब कुछ इनके यूजेस प्रॉपर्टीज हो गई, चर्चा किसकी करें, यूजेस की। आई भाई यूजेस की चर्चा करते हैं। सबसे पहले HCl जो है वो एक्वारिजिया बनाने में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, सोने वोने को अगर गलाना हो तो एक्वारिजिया का इस्तेमाल करेंगे। HCl इज यूज्ड टू प्रिपेयर एक्वारिजिया। दूसरा, HCl इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर क्लोरीन। ठीक है ना, क्लोरीन बनाने के काम आता है। क्लोरीन कब बनाई थी हमने HCl से, पिछले लेक्चर देखोगे तो तुमको मालूम पड़ेगा कि कुछ याद करो, डीकंस प्रोसेस करके जो मैन्युफैक्चर का पहला प्रोसेस पढ़ाया था क्लोरीन में, डीकंस प्रोसेस, वहां पे HCl से ही क्लोरीन बनाई थी। उसके बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है या यूज क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है ये यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं तो उसका मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ी गंदगी मच गई, साफ कर देते हैं। इंपॉर्टेंट यूज तीसरा नंबर क्या, HCl इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। ठीक, HCl इज यूज to extract glue from bone and purifying bone black। अब ये bone black क्या होता है, आपका काम है पता करिए। ना समझ आए तो मुझे बताइए कि नहीं समझ आया, एक बढ़िया सा वीडियो बन जाएगा bone black पे भी। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, HX, ये कौन है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक, मतलब सारे कंपाउंड्स की बात हो रही है। इज यूज एज लैब रिएजेंट, हाइड्रोजन देने वालों की तरह तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं हम, और क्लोरीन के टर्म में इस्तेमाल करें तो फ्री रेडिकल की रिएक्शन भी दे सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो हमने अभी HX के कंपाउंड पढ़ लिए, ब्रोमीन की आयोडीन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उनके प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ लिए, ठीक, और इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिए, काफी कुछ कर लिया आज, काफी सारा काम हो गया है। अब जो नया टॉपिक हम नए लेक्चर में करेंगे वो होगा क्लोरीन के ऑक्साइड्स। चार पांच तरह के ऑक्साइड्स हैं, उसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज रिपीटेडली पूछी जाती हैं। जेई मेंस वालों के लिए तो खुश होना चाहिए, पी ब्लॉक से आता है क्लोरीन से कुछ भी, तो ऑक्साइड्स पे बहुत जम के पूछा जाता है। लेक्चर से बाहर अपने कुछ भी नहीं जाता, तो जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो थरली पढ़िए और लेक्चर को सीरियसली पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए। नए लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।